बस जैसे ही बारिश शुरू हुई, पहले तो बहाना होता था, मम्मियाँ बोलती थी कि जाओ जाके कपड़े उतार के लेकर आओ, बिकॉज हम सब छत पे ही डालते थे। लेकिन उस बहुत मज़ा आता था कि कपड़े उतारते उतारने के बाद सबसे पहले जाते थे ऊपर और लेट जाते थे बारिश के अंदर और ऐसे बारिश को फील करते थे। पानी इस तरीके से बह रहा है, उतने बीच में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस सबको ये बोलूँगी कि भाई आपको फ़ोटो खींचना है, सेल्फी लेनी है, इंस्टा पर डालना है, सब कुछ करिए, बट अपनी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन हाँ इतने सालों से रहते रहते और काम करते करते सबसे पहले जहन में आपके यही आता है कि गड्ढे फिर से होने वाले हैं और पता नहीं कितना और ट्रैफिक होगा। मुझे तो बस सबसे अच्छा लगता है कि बारिश हो रही हो और मैं अपनी बालकनी में बैठी हूँ और आराम से चाय और पकौड़े खा रही हूँ, बिकॉज़ ये सब लोग बोलते हैं, लेकिन सचमुच में जब बारिश होती है तो मज़ा इसी का ही है। अगर बॉम्बे में अगर बोला जाए तो डेफिनेटली लोनावला, बिकॉज सब लोग वहीं जाते हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है वो भंडारधारा, बिकॉज भंडारधारा जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो एक अलग तरीके का उसका वाइब है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। यस यस बिल्कुल, बिकॉज हम जब लखनऊ में थे और वहाँ पर जब बारिश हुआ करती थी तो हम सब अपने छत के ऊपर चले जाते थे। यहाँ पे बॉम्बे में ऐसा है नहीं कि छत है खुली और बारिश हो रही और आराम, हम बस जैसे ही बारिश शुरू हुई पहले तो बहाना होता था, मम्मियाँ बोलती थी कि जाओ जाके कपड़े उतार के लेकर आओ, बिकॉज हम सब छत पे ही डालते थे। लेकिन उस बहुत मज़ा आता था कि कपड़े उतारते उतारने के बाद सबसे पहले जाते थे ऊपर और लेट जाते थे बारिश के अंदर और ऐसे बारिश को फील करते थे। वो अब शायद बच्चे नहीं कर पाते होंगे, बिकॉज़ यहाँ पर जो भी रहते हैं सबका घर बंद ही है, बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो करते होंगे। लेकिन मेरी जो मेमोरी है यही है कि जैसे ही बारिश होती थी हम अपने छत पे जाते थे और लेट जाते थे और बारिश का फुल डांस वांस सब खूब करते थे। अब अगर बॉम्बे में रहने के बाद बोला जाए तो गड्ढे, बिल्कुल आप बिलीव नहीं करेंगे, वैसे ही इतना ट्रैफिक रहता है और जैसे ही बारिश आती है और गड्ढे हो जाते हैं और ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। लेकिन हाँ बारिश अच्छी, वैसे देखा जाए तो बारिश में मज़ा इसी बात का है कि आपको एक अलग तरीका का एटमॉस्फेयर मिलता है, अलग ग्रीनरी कितनी अच्छी हो जाती है और मज़ा भी बहुत आता है। लेकिन हाँ इतने सालों से रहते रहते और काम करते करते सबसे पहले जहन में आपके यही आता है कि गड्ढे फिर से होने वाले हैं और पता नहीं कितना और ट्रैफिक होगा। ऑब्वियसली यार जो मेरे बेटे के साथ में, मतलब मैं मेरे फ्रेंड्स बहुत कम हैं, बहुत ही कम हैं, तो मैं कहीं भी जाती हूँ या कहीं पे भी घूमती हूँ बस मैं यश और कभी या फिर हमारा मेरी जो पूरी फैमिली है वो। मैंने वो वीडियो देखा और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जब हम गॉड हमें पहले से ही सिग्नल दे रहे होते हैं कि जब आप देख रहे हो इतना ज़्यादा पानी इस तरीके से बह रहा है, उतने बीच में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस सबको ये बोलूँगी कि भाई आपको फ़ोटो खींचना है, सेल्फी लेनी है, इंस्टा पे डालना है, सब कुछ करिए, बट अपनी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है, ये नेचुरल चीज़ें ज़्यादा रिस्की होती हैं अदर देन एक्सीडेंट, कुछ भी हो जाना, ये ज़्यादा पावरफुल होती हैं, तो प्लीज़ इनका ध्यान रखिए कि बारिश हो रही है या फिर कहीं पर आग लग गई है या फिर कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया है, या हम जब ड्राइव भी कर रहे होते हैं तो अपना स्पीड का ध्यान रखिए। जब बारिश हो रही है तो थोड़े अपने आप को उस जगह पर मत जाइए जहाँ पे आपको दिख रहा है कि पानी है, कभी भी कुछ हो सकता है। हाँ ये बात ज़रूर है कि कुछ चीज़ें बोलकर नहीं आती हैं, आप जिसकी डेथ होनी थी वो तो हुई, जिसे बचना था वो बचा ही, लेकिन प्लीज़ आप अपनी सेफ्टी तो अपने हाथ में रख ही सकते हैं।